हेलो दोस्तों, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो लॉजिक गेट है। आज हमें देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करता है। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के लॉजिक गेट होते हैं। अब लॉजिक गेट क्या होते हैं, जो कि आपका डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर उसका एक अपना वर्क होता है। जैसे कि आपने कैलकुलेटर देखा होगा, उसका एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लिकेशन कई तरीके का वर्क करता है वो। उसी तरीके से लॉजिक गेट का एक अपना वर्क होता है डिजिटल सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली लॉजिक गेट जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। आप कहीं सात तरीकों के पढ़ोगे, कहीं अलग अलग, मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिख रखा है, लेकिन नॉर्मली आपको आपके लॉजिक गेट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है बेसिक। बेसिक के अंदर एंड गेट आता है, और गेट आता है, नॉट गेट आता है, और उसके बाद आता है यूनिवर्सल, जिसके अंदर नैन गेट आता है और नॉर गेट आता है। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस। अब देखिए, जो बेसिक है ये नॉर्मल यूज किया जाता है, यूनिवर्सल जो है इन्हीं इन्हीं दो गेटों से आप ये जितने भी गेट हैं इन सबको आप बना सकते हो, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। स्पेशल पर्पस का मतलब क्या है कि जब आपको, मान लीजिए इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप यूज कर सको, तो आपको फिर एक अलग से ही आपको उस चीज़ को डिजाइन करना पड़े, तो उसे स्पेशल पर्पस एक्स ऑर गेट और एक्स नॉर गेट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम और गेट नहीं बना सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट चीज़ें बदलती रहती हैं, अपडेट होता रहता है। और जैसे कि हमें फ्यूचर में अगर किसी नए गेट की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 लॉजिक गेट है, जिसके अंदर से अभी हम देखेंगे इनके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एंड गेट। देखिए, आपको इन चीज़ों को याद करना, मतलब आपको याद करने के लिए मैं एक तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। मान के चलिए कि आप एंड गेट के बारे में पढ़ रहे हो, तो एंड गेट नाम सुनते ही आपको याद हो जाना चाहिए कि एंड गेट का काम होता है मल्टीप्लाई करने का। क्या काम होता है? मल्टीप्लाई करने का। तो ये एंड गेट का सिंबल है, देख सकते हो, ये डी जैसा दिख रहा है और उसमें एक आउटपुट है और मल्टी इनपुट है। इनपुट 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, मतलब इनपुट कितने भी हो सकते हैं, जो आपका आउटपुट होगा वो वन होगा। मतलब जो आउटपुट का ये जो लाइन दिख रही है ओनली वन होगी, मल्टी इनपुट हो सकते हैं, एक आउटपुट होगा, ठीक है। तो जब हमने इसमें तीन इनपुट दिया है, ठीक है, जब तीन इनपुट दिया ना, तो इसी को देखकर हमारे जो कंडीशन बनी है टोटल 8 कंडीशन बनी है। कहने का मतलब है कि अगर एक सिग्नल पे आप ए पे अगर आप 0 दोगे और बी पे 0 दोगे, सी पे 0 दोगे, तो आपके आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब देखो कैसे, ये इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल क्या बताता है कि रिलेशन बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है ना, ये आपका आउटपुट है और ये आपके ये तीनों इनपुट है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है ट्रूथ टेबल, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द ट्रू टेबल, तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है। तो आपको क्या, या पहले तो ये सिंबल याद रखना, उस सिंबल के बाद आपने इनपुट दिया, इनपुट में आप क्या क्या दे सकते हो। देखिए, जब तीन, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2 और 3 ही देखे इनके अंदर, इससे ज़्यादा तो मतलब इनपुट देते नहीं है। कभी कभी जब सर्किट बना रहा होता तो 4 भी दे देता हूँ, अदरवाइज अगर नॉर्मली आपको डिफाइन करना हो, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, तो 2 या 3, इससे ज़्यादा इनपुट आप इसमें नहीं दीजिएगा। क्योंकि जैसे आप इसमें इनपुट बढ़ा दीजिएगा ना, वैसे आपके ये बढ़ जाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे 4 इनपुट कर दिया, तो ये जो ये नंबर ऑफ ये 8 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 16 हो जाएंगे। अगर ये आप 2 रखिएगा तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है, आप जो इनपुट दीजिएगा उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। आप देखिए, मान लीजिए कि आपने तीनों पे 0 0 0 दे दिया, तो अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, आ गया 0 आंसर। अब देखिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा। वैसे इसमें 0 को 0 से 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 0। तो आप इन चीज़ को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको आंसर में ये 0 ही मिलेगा, और लास्ट में 1 × 1 × 1 = 1। तो एंड गेट का काम ओनली मल्टीप्लाई करने का होता है। कभी भी अगर आपको एंड गेट याद देता है तो आप ये याद रखना कि एंड गेट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का। तो अगर आप ये, अगर अब इसके बाद अगर आपको इनपुट दोगे ना तो रिपीट करने लगेंगे, इसलिए यहाँ पे इतने इनपुट गए और आपको इतने आउटपुट मिले। मतलब एक बार में आप 3 वैल्यू दे सकते हो, आपने कोई भी 3 वैल्यू दी, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए ये आपने 3 वैल्यू दी, ए को ये दिया, बी को ये दिया, सी को ये दिया, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा।
इसी तरीके से ये वर्क करता है। और इसका काम मल्टीप्लाई करने का होता है। तो नॉर्मली आपको ये डायग्राम बना देना और इसमें इनपुट दे देना और एक आउटपुट निकाल देना। जो आप इनपुट में दे रहे हो आपको आउटपुट में मल्टीप्लाई करके दे देना। इनपुट में ए बी सी दी, आपको आउटपुट में क्या मिला, बाय वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, तीन को मल्टीप्लाई कर दो जो होगा आपका आंसर होगा। अब इसी चीज को थोड़ा देखिए, जो जीरो है ना, इन्होंने जीरो को लो लिख रखा है। लो का मतलब नहीं है, मतलब स्विच ऑफ है। और वन का मतलब क्या है, हाई, मतलब स्विच ऑन है। तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, जीरो लो को प्रेजेंट कर रहा है, वन हाई को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, ये थोड़ा अभी बता रहा है कि जो लॉजिक गेट है, जो एंड गेट है लॉजिक गेट है, वो आपको आउटपुट में लो कब देगा और हाई कब देगा। तो लो कब देगा, जब आपको कोई भी इनपुट लो, अगर आप कोई भी इनपुट अगर लो होगा तो आपको आउटपुट में भी लो देगा। और अगर आपके तीनों इनपुट, यानी जितने आपके इनपुट, अगर सारे इनपुट अगर हाई हो तो आपको आउटपुट में भी क्या देगा, हाई देगा। बस हमारा एंड गेट हमें इतना कुछ ही बताता है कि अगर आप इनपुट में आप ये वैल्यू दोगे, अगर आप इनपुट में लो दोगे तो आपको आउटपुट में भी लो मिलेगा। अगर इनपुट में आपने सब पे हाई दिया तो आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इसी तरीके से आते हैं और गेट। और गेट का सिंबल कुछ ऐसा, ये सिंबल आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कह सकते। ट्रू टेबल क्या, जब आप एक दो बार बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ट्रू टेबल बना कैसे है, ठीक है। तो जो और गेट होता है, और गेट का काम होता है प्लस करने का, यानी दो चीजों को जोड़ देने का, कहता ना कि जोड़ दो, ऐड कर दो। तो आप देखिए, मान लीजिए कि हमने इनपुट में ए बी सी दिया, जब हमने इनपुट में ए बी सी दिया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसी चीज को देखता है, हमने इनपुट में तीन दिया तो हमारी मतलब जो आठ तरीक कंडीशन बनेंगी, जीरो जीरो जीरो, मतलब ये इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो जब ये इनपुट दे सकते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि आपने एक बार में जीरो 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 दिया, तो आपको जीरो को प्लस जीरो से करोगे, प्लस जीरो करो तो क्या मिलेगा आउटपुट में, जीरो ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप तीन जीरो आपके पास, तीनों को ऐड कर रहे हो तो जीरो रुपये मिलेगा। जीरो इन प्लस जीरो प्लस वन तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। यानी आपने इसे प्लस कर दिया, अब वन और जीरो प्लस कर दीजिए, वन ही होगा। वन और वन क्या होता है, वन और वन क्या होता है, टू होता है, बेसिकली वन और वन टू होता है। लेकिन अगर आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे ए प्लस ए जो होता है वो ए होता है। इसीलिए जो अभी ना इसमें कई आपको रूल्स पढ़ने हैं, उनके रेगुलेशंस होते हैं, तो इसमें वन प्लस वन टू नहीं होता, वन प्लस वन वन होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आगे बुलन आपको बुलन अलजेब्रा के कुछ लॉ है उसके अंदर ऐसा दे रखा है, तो ऐसा माइंड मत कीजिए। अगर आप नहीं समझ आ रहा आपको वन प्लस वन टू वन कैसे हुआ, तो आप मान लीजिए वन प्लस वन टू हुआ, ठीक है, मान लीजिए। ऐसा मतलब एग्जैक्ट मत मानिए, लेकिन वन प्लस वन इमेज कर लीजिए कि टू होगा। और टू को कैसे लिखते हैं, वन और जीरो, बाइनरी में टू को वन और जीरो लिखते हैं। तो आपने वन लिख दिया, जीरो गायब हो गया, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से वन प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। अब वन प्लस वन बिल्कुल सेम वही आ गए, वन प्लस वन बिल्कुल सेम वही आ गया, वन प्लस वन प्लस वन। अब यहाँ पे क्या हो गया, वन प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे तीन हो गया। अगर एक दो तीन, वन प्लस वन टू, वन प्लस वन थ्री, इसका मतलब टोटल थ्री हो गया। और टोटल को बेसिकली ए प्लस ए अगर हम तीनों बार ए को ऐड करें तो हमें आउटपुट में जो मिलेगा वो ए ही मिलेगा, एक्चुअल ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा कि वन प्लस वन कैसे वन हो गया, तो आप ये याद रखिए थ्री को इलेवन से प्रेजेंट करते हो, वन और वन, तो वन आगे लिख दिया, हमने कैरी नहीं लिया क्योंकि हमारे पास टर्मिनल में एक ही। अभी आप एडर पढ़ोगे ना तो उसमें आपको समझ आएगा कैरी क्या होता है और सम क्या होता है। तो आपने कैरी नहीं लिया, ओनली सम लिया। तो आपको बस ये याद रखना कि अगर यहाँ पे इलेवन भी हो रहा है ना, मान लीजिए कि अगर आपको थ्री हो रहा है, थ्री को इलेवन से प्रेजेंट करते हैं, वन वन से, तो मान लीजिए कि आपने वन ले लिया और वन लेने के लिए आपके पास टर्मिनल नहीं है आउटपुट में, तो आपने उसे लिया ही नहीं। तो आपको बस इतना मतलब आपको ये याद रखना कि जो और गेट होता है वो ऐड करने का काम करता है। और इस टेबल को आपको एक बार ड्रॉ करना है तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। और अगर ये नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर ही आपको नोट मिल जाएंगे। देखिए अब यहाँ क्या लिख रखा है, और गेट इज अ लॉजिक गेट, एक लॉजिक गेट है जो क्या करता है, आउटपुट देता है लॉजिक गेट में हाई। हाई आउटपुट कब देगा, जब आपके पास कोई भी जो इनपुट होगा वो हाई होगा। और कोई भी इनपुट हाई हुआ तो आपको हाई आउटपुट देगा। और लो कब देगा, जब सारे इनपुट आपके लो होंगे, यानी उसमें क्या उल्टा था, उसमें जब सारे इनपुट हाई थे, एंड गेट में सारे इनपुट हाई थे तो आपको हाई आउटपुट देता था। और इसमें क्या, जब सारे इनपुट लो होंगे ना तभी वो लो आउटपुट देगा, ठीक है। देखिए मतलब इसमें एक ही जगह जीरो दे रहा और सब जगह तो क्या दे रहा, वन दे रहा। और उसमें क्या था, उसमें देखिए उसमें सारी जगह जीरो दे रहा तो एक जगह वन था, तो ऐसा कुछ सीन था इसके साथ, तो वही लिख रखा है। और ट्रू टेबल क्या लिख रखा है, इट इज द टेबल लिस्टिंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। अभी वही बता रहे कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनपुट के और क्या रिलेशन हो सकता है इनपुट आउटपुट के बीच में, ठीक है।
तो इसके बाद आता है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट एक, अगर आपको नॉट गेट को समझना ना, तो नॉट गेट को बस एक नॉट गेट इन्वर्स का काम करता। तो जब भी आपके माइंड में नॉट गेट है तो समझ लेना इन्वर्स करेगा। इसका मतलब क्या करेगा, अगर आपने उससे बोला ना कि भाई जीरो, तो वो वन कह देगा। जैसे आप जो बोलोगे उसको उल्टा करेगा। आपके पास दो वैल्यू जीरो एन, अगर आप उसे जीरो देते हो ना इनपुट में, तो आपको वन मिलेगा। अगर आप वन देते हो तो आउटपुट में जीरो मिलेगा। मतलब वो आपको इन्वर्स कर देगा, वो आपको गलत कह देगा, नहीं भैया आप गलत कह रहे हो, आप अगर आपने जीरो का तो वो वन होगा, समझो। तो आपको ये याद रखना है, नॉट गेट इन्वर्स का काम करते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। आपने इनपुट में जीरो दिया, आपको आउटपुट में वन मिला। आपने आउटपुट में वन दिया, आपको इनपुट में वन दिया, आपको आउटपुट में जीरो मिला। तो आपको बस इतना याद रखना। और इसमें दो, इसमें देखिए टर्मिनल ये क्या, तो कंडीशन कितनी बनेगी, तो कंडीशन बनेगी तो जीरो दोगे तो वन दोगे। और इसे ये जो टर्मिनल है ना, इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपना, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है 2n होते हैं, यानी अगर 2 और इनपुट 3 तो कितना होगा 8, यानी 2 की मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की, ठीक है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपने मान लीजिए 2 लिख दीजिए और इनपुट कितना है 1, n मतलब इनपुट, तो 1, 2 की पावर n कितनी होती है 2 होती है। इसने यहाँ पे दो कंडीशन बन रही, और जो हमने पिछला देखा था इसमें क्या बन रहा था, 2 की पावर 3 यानी 8 कंडीशन बन रही है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 8 कंडीशन बन रही है। तो ये फॉर्मूला है 2 की पावर n, n क्या होता है नंबर ऑफ इनपुट, तो आप इसे लिख लीजिएगा कहीं 2 की पावर n इनपुट होती है। तो इसी हिसाब से जो हमारी ये जो नॉट गेट है वो क्या करता है, हमारा इन्वर्स करने का काम करता है। और 2 की पावर n से हमारे पास दो कंडीशन बनती है, तो 0 इनपुट जाइए 1 इनपुट जाइए, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल क्या है 1 है, और सब में दो, ये दो से अधिक टर्मिनल थे, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक ही टर्मिनल मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि इससे, अगर इससे ज़्यादा टर्मिनल करेंगे तो ये एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कुछ करने लगेगा ना, तो इसीलिए इसमें हमेशा एक ही टर्मिनल मिलेगा। जहाँ भी आप देखोगे ना नॉट गेट, वहाँ आपको एक ही टर्मिनल मिलेगा। और ये 0 ये 1 इसमें इनपुट देता है, और जो आपको आउटपुट में देगा वो इन्वर्स देगा। इसलिए ए और ए, ये इनपुट में ए, आउटपुट में ए बार, ए बार का मतलब क्या, इसका उल्टा होगा, इसलिए इन्होंने ऐसा लिख रखा। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब आपका इनपुट में लो होगा तो आउटपुट में हाई होगा, और जब आउटपुट में इनपुट में हाई होगा तो आउटपुट में लो होगा। बस ये वही चीज़ कहना चाहिए। और जीरो को इन्होंने लो से प्रेजेंट किया, वन को हाई से प्रेजेंट किया, वन को हाई से, जीरो को लो से। और ये हमें से याद रखना है, अब जब आप डी पढ़ रहे हो ना, तो ये जीरो मतलब लो ही होता है, वन मतलब हाई होता है। लेकिन आप जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, वो कई कई जगह उल्टा भी कर देता है, तो इन चीज़ों को मतलब ज़्यादातर अप्रोक्सीमेट, मतलब कभी हम जीरो को पढ़ते हैं तो जीरो का मतलब लो होता है और वन का मतलब हाई होता है। लेकिन कुछ जगह है उन्होंने कुछ चीज़ें अजीब सी कर रखी हैं। नॉट गेट इज द लॉजिक गेट, अब जो बता रहे कि जो नॉट गेट होता है लॉजिक गेट होता है, और इसे इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है, एट कंपाउंड लॉजिक इन इनपुट, जो भी हो। देखो जो नॉट गेट होता है ना, इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जो नॉट गेट है उसे इन्वर्टर कहा जाता है, क्योंकि इन्वर्ट कर देता है। हम कहते नहीं कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट में कुछ हमें उल्टा ही मिला, तो इसे इन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसे नॉट गेट भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने अभी तक पढ़ लिया था बेसिक गेट, बेसिक गेट तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट। मैं आपको बता दूं, इसे यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन कुछ गेटों से, यानी हमारे पास दो ही गेट है यूनिवर्सल गेट में, एक एंड गेट है, नैंड गेट, और दूसरा नॉर गेट है, ठीक है। अब इन गेटों से क्या कर सकते हैं हम, कि दूसरे गेट ड्राइव कर सकते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास कई सारे नैंड गेट हो, नैन गेट हो, ठीक है, तो आपको और गेट बनाना हो, नॉट गेट बनाना हो, या जो भी एक्सेट्रा कोई भी आपको गेट बनाना हो, ठीक है, तो आप इनकी मदद से, यानी नैन गेट या नॉर गेट की मदद से आप कोई भी गेट ड्राइव कर सकते हो। इसीलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहा गया है, क्योंकि इससे आप इजीली कोई भी गेट ड्राइव कर सकते हो। अब ड्राइव कैसे कर सकते हो वो भी देख लेंगे आगे, अभी थोड़ा इसे पढ़ लें। इट इज एन गेट फॉलो बाय नॉट गेट, देखो छोड़ो, अब थोड़ा फिगर देखते हैं। पहले हमारा ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये एन गेट है, और ये क्या कर रहा है, ए बी सी, यानी आउटपुट मल्टीप्लाई करके दे रहा है, समझ गए। देखो नैन, एन का मतलब नॉट गेट होता है, और एन गेट, यानी दो चीज़ से मिलकर बना पड़ा है, नॉट गेट और एन गेट। तो पहले हमने एन गेट यूज किया, उसके बाद नॉट गेट यूज किया। देखो हमने इनपुट में ए बी सी दिया, आउटपुट में क्या मिला, ए इंटू बी इंटू सी, यानी एन गेट ने मल्टीप्लाई कर दिया, श्योर तो करो, हाँ तो बोलो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको उसने अपोजिट, मतलब उसको इन्वर्स कर दिया, जो इनपुट में था उसका उल्टा कर दिया आउटपुट में, ए बार बी बार सी बार, यानी जो भी वैल्यू थी ना, मान लीजिए कि आपने इनपुट में 111 दिया था, तो इसे 111 क्या हो गया, 1 हो गया टोटल। अब 1 का इन्वर्स क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो वैल्यू 0 मिलेगी।
तो सेम यही है। मान लीजिए आपने तीनों में इनपुट में क्या दिया, जीरो 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 दिया, तो आपने जब जीरो 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 दिया तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जीरो का उल्टा क्या होता है, वन होता है। तो आप ऐसा देख सकते हैं। तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक एंड गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, इसलिए इसे नैंड गेट भी नैंड गेट ही कहा जाता है, नैंड गेट भी नहीं नैंड गेट ही कहा जाता है। और ये कुछ जब इस चीज को भी ऐसा ड्रॉ करते हैं, एक एंड गेट बनाते हैं फिर एक सर्कल से लगा दिए, सर्कल नॉट को प्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास नॉट गेट इसमें लगा पड़ा है। तो इस चीज को हम थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है बना। तो मैंने क्या कहा था, 2 की पावर n, तो इसमें इनपुट जो इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक बनेगी कितनी बनेगी, टोटल 3 बनेंगे, मतलब 8 बनेंगे, क्योंकि 3 इनपुट 2 की पावर n क्या हो गया, 3 हो गया, तो टोटल 8 बनेंगे। तो पहले हमने मान लीजिए कि 0 0 0 दिया, जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, भाई आप इतना तो बोलो हाँ 0 आएगा, ठीक है हाँ 0 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। आपने एन गेट की प्रॉपर्टी लिख लेनी है, एन गेट में क्या होगा, ये लास्ट में 1 आएगा जब 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसका उल्टा, 0 का 1 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 1 का 0 आ गया, ये आपका आंसर आया फाइनली। तो नैंड गेट यही काम करता है, समझ रहे हो, समझ जाओगे यार, पहली पहली बार में सबको दिक्कत होता है, ऐसी बात नहीं, मैंने भी पता नहीं कितना पढ़ा तो मुझे ये समझ आया था, लेकिन आसान है, सबसे आसान हमारे डिप्लोमा में, हमारे बीटेक में डी ही था, ठीक है। अभी बता रहे कि एंड गेट हमें आउटपुट कब देता है, और मतलब आउटपुट हाई कब देता है और लो कब देता है, जब आपका तीनों इनपुट, जब आपका तीनों इनपुट हाई होगा तो आपको आउटपुट में लो मिलेगा, ठीक है। जब आपका या ऐसा कहो, जब आपका तीनों इनपुट 1 होगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और जब आपका इनपुट में किसी भी तीन की जगह कोई भी कम होगा यानी लो होगा तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन है। तो अब देखते हैं इन्होंने फिर ये देखो, अब ये इन्होंने बनाना शुरू किया, देखो ये क्या बताना चाहते हैं, ए और बी को दिया ए इंटू बी, तो क्या हो गया, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेट ने प्लस नॉट गेट में बार लगा दिया, ठीक है। अब इस बार को इन्होंने तोड़ दिया, ये पता नहीं क्या बताना चाहते हैं, चलो आगे देखते हैं। एंड गेट देखिए, एंड गेट में जो है वो 3 टाइप के इन्होंने बार कर रखे हैं, बंडल और गेट, नेगेटिव और गेट, एक्टिव लो और गेट। एक मिनट, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, देख लूँ मैं कहाँ से पढ़ रहे थे हम, ये हमारा एंड गेट पर चल रहा था, हमने इसे कर लिया था, नैन गेट था ये, एंड गेट नहीं, नैन गेट, ठीक है। उसके बाद ये क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, ए इंटू बी का बार है, तो उसे ए बार प्लस बी बार में तोड़ सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे ड्राइव करके दिखा रखा है। आप इसे देख सकते हो, ए इंटू बी का बार है, ठीक है, तो उसे ए बार प्लस बी बार में तोड़ सकते हो, और वही चीज़ इन्होंने यहाँ करके दिखा रखा है। इन्होंने एन गेट को 3 भागों में बांट रखा है, बडल, नेगेटिव एंड एक्टिव लो और गेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये सेम वही चीज कर रखा है, इन्होंने बता रखा क्या, एन गेट, और गेट, नॉट गेट, गेट आर द कॉल्ड बेसिक गेट। अब वही बता रहा है कि जो एन गेट है, नॉट गेट, और गेट है, वो क्या है, बेसिक गेट है, और उसे डिजाइन किया जा सकता है किससे, जो हमारे पास स्पेशल गेट। अब देखिए ये डायग्राम थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी, मैं भी एक बार देख लेता हूँ। जो एन गेट है उससे आप क्या बना सकते हो, नैन गेट से आप एन गेट बना सकते हो, और गेट बना सकते हो, ये नॉट गेट बना सकते हो, ये बीच में प्लस का निशान है, ठीक है। तो इसके बाद आप अ गिवन बुलियन फंक्शन ऑन ओनली कम, अभी आप ना, आपके पास के मैप आएगा और कई सारे बड़े बड़े डायग्राम वो आएंगे बनाने के लिए, उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उससे भी आप इससे एन गेट से बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसका एक जो नैन गेट है, इसका एक अपना ही मतलब होता है ना, यूनिवर्सल गेट है, कुछ भी कर सकता है। तो एन गेट प्लस और गेट प्लस नॉट गेट, यानी इस नैन गेट से आप ये तीनों ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब एक ड्राइव कर लेते हैं कि कैसे ड्राइव होता है। एन गेट, नैन गेट से हम नॉट गेट तैयार करते हैं, तो हमने क्या किया, हमको पता कि जो नॉट गेट उसमें कितने इनपुट है, हमने बेसिक में सबसे पहले पढ़ा था कि नहीं, जो नॉट गेट होता है उसमें एक इनपुट होता है, और वो क्या काम करता है, नॉट गेट इन्वर्स कर, देखो आपको किसी चीज़ को किसी में कन्वर्ट करना ना, तो उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको और गेट बनाना तो पता होना चाहिए कि और गेट का काम क्या, अगर आपको नॉट गेट बनाना तो पता होना चाहिए नॉट गेट का काम क्या है, ठीक है। तो नॉट गेट का काम होता है इन्वर्स करने का, या आप उसे कह सकते हो कि इन्वर्टर की तरह काम करता है वो, ठीक है, जो इन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या अपोजिट कर देता है। तो उसमें एक इनपुट होता है, देखिए उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और वो इन्वर्स होकर मिलता है। अब देखिए, मान लीजिए कि ए और बी, आपने दो इनपुट आपके पास, ये आपका नैन गेट है, ठीक है,
नैंड गेट है, ये आपका नैंड गेट, अब इसे आपको नॉट गेट में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास टर्मिनल तो यहाँ पे दो, और यहाँ पे हमको एक टर्मिनल चाहिए, तो आपने इसे शॉर्ट कर दिया टर्मिनल को, देख रहे हो कि इस टर्मिनल को शॉर्ट करके आपने ए दे दिया। और हमको पता है ए अगर दिया है, जब ए इंटू ए ए होता है, ठीक है, जब आपको ए का बार मिलेगा यहाँ पे, मतलब जब इस चीज को आप खोलोगे ना, मतलब आप इसमें नॉट गेट अलग लगाओगे, तो आपको आपको ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का बार मिलेगा, यानी आउटपुट में आपको ए का बार मिल रहा है, तो आपके पास नैंड गेट से नॉट गेट आपको मिल गया। ऐसे ही आपको आपको क्या करना है कि एंड गेट से जो नैंड गेट है उससे एंड गेट बनाना है। तो आप क्या करोगे, आपको ये बात पता है कि जो हमारा जो एंड गेट होता है वो ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर देता है, आपने ए और बी दिया, आपको मल्टीप्लाई में क्या दिया ए इंटू बी, सेम यही करता है ना एंड गेट। अब देखिए, आपने मान लीजिए कि आपके पास नैंड गेट है, आपने उसको क्या दे दिया ए इंटू बी दे दिया, तो जैसे a इंटू बी दिया तो उसने a इंटू बी का बार देगा, क्योंकि जो भी देगा उसको वो उसको बदल देगा, इन्वर्स कर देगा, तो a इंटू बी का बार दे दिया। जब आपने a इंटू और b का बार दिया तो कुछ ही ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, जब मैंने अभी आप बुलन के कुछ लॉ पढ़ोगे ना, तो वहाँ पढ़ोगे a इंटू ए क्या होता है, ए ही होता है, b इंटू बी क्या होता है, बी ही होता है, तो ऐसे कई चीज़ आपको पढ़नी भी बाकी हैं। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना कि ये कैसे आ गया, तो टेंशन मतलब बस इस सभी चीज़ों को समझो, आगे से आते हुए देखोगे तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आप करोगे ना, कट पीट करोगे, तो अपना आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना टेंशन मतलब। तो a इंटू बी का बार इंटू ए इंटू बी का बार की बार, अब देखो ये बार आपस में क्या हो, ये तो a इंटू बी हो जाएगा, इंटू बार, बार से बार कैंसिल, a इंटू बी बच गया। तो नॉर्मली अगर आपकी मैथ तेज है तो भी कर सकते हो, अगर नहीं तेज है ना तो भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इन फ्यूचर ये चीज़ आप इतना करोगे कि आपको बहुत आसान लगने लगेगा। एन गेट से और गेट बनाना, और हमें पता और गेट का काम क्या करता है, क्या होता है, प्लस करने का होता है, और वो क्या करते हैं, दो इनपुट को लेकर वो एक को प्लस कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ए इंटू बी, अब देखो इन्होंने क्या, ये इनके थोड़े याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि फिगर ने एग्जाम में पूछ लेते हैं और बच्चों को याद नहीं होता, और उनको उतना मतलब डी पे ध्यान नहीं देते ना यार, क्या करें। तो मान लीजिए इनपुट दिया आपने ए का बार मिला आपको, इनपुट दिया आपने बी का बार मिला, इन्हें शॉर्ट कर दिया, थोड़ा ध्यान देना, दो टर्मिनल को एक टर्मिनल बनाते हैं इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने इनपुट, अब देखिए ए इंटू बी का बार, अब बार से बार कैंसिल, तो आपको क्या मिला, ए प्लस बी। मैं अब सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि अगर ए इंटू बी का बार है तो ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है, बार से बार कैंसिल हो गया। तो आपने क्या किया, नैन गेट से एंड गेट भी बना लिया, नॉट गेट भी बना लिया, और गेट भी बना लिया, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब देखिए ये थोड़े डिजाइन है, मतलब अभी तो आपको ये इतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं जब इसे कंप्लीट करा लूँगा तो आपको मैं पूरा पूरा समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, और क्या क्या मतलब जो भी उनके बारे में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये सब उसी की थोड़ी डेरिवेशन लिख रखी है, ठीक है, तो ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा अभी किसी काम का नहीं है। यहाँ नॉट गेट के बारे में दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, हम यहाँ से हमारे काम का है। ये जूम क्यों नहीं होता यार, दिक्कत है इसमें कुछ, कोई बात नहीं। देखिए जो नॉर गेट होता है, ठीक है, नॉर गेट का काम, देखिए और गेट का काम मैं आपको बता दूं कि और गेट क्या करता है, और गेट प्लस करने का काम करता है, और नॉट क्या करेगा, इन्वर्स कर देगा, जो वैल्यू आप प्लस करोगे ना ए प्लस बी प्लस सी को इन्वर्स कर देगा, यानी उल्टा कर देगा, जो भी इसका सम होगा, मान लीजिए जीरो है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा, एक्स्ट्रा आप इंटेलिजेंट हो, समझ चुके हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने, थोड़े से छोटा कर देता हूँ आपको समझ आएगा, मान लीजिए कि आपने इनपुट में जीरो 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 दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और जीरो का इन्वर्स क्या होता है, वन होता है। तो आपने इनपुट में जीरो जीरो वन दिया तो आपको पता है यार तीनों को प्लस करोगे तो वन ही मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, तो आप समझ चुके हो, और अगर ना समझ आए तो पूछ लेना कमेंट करके। तो आप कोई भी वैल्यू दोगे तो आपको ये वैल्यू निकाल लेनी है, और गेट से निकालोगे इसको उल्टा कर दोगे तो आपको नॉर गेट मिल जाएगा, मतलब आपको यहाँ तक तो और गेट की तरह करना है, उसके बाद जो ये मिलेगा ना ये आपको क्या मिलेगा, इन्वर्स मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, जीरो का वन, वन का जीरो, बस इतना ही करना। अभी ये रट नहीं रहे हो, ये समझ रहे हो, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो बस। उसके बाद यूनिवर्सल गेट, अब इससे देखो नॉर गेट से, इसे भी थोड़ा जूम कर लूँ, ये बहुत प्रॉब्लम है इसमें यार, चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जो नॉर गेट है ना, अब उससे इन्होंने क्या कर रखा है, यूनिवर्सल जो नॉर गेट है, हमको पता है वो यूनिवर्सल गेट है, एज यूनिवर्सल गेट, अब इससे क्या कर सकते हैं, हम तीनों गेट को ड्राइव कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं जो भी हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नॉट गेट बनाया, हमको पता है नॉट गेट की क्या प्रॉपर्टी, कि उसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, और आउटपुट का क्या होगा, अपोजिट होगा। मान लीजिए आपने इनपुट में ए दिया, ठीक है, तो आपने इनपुट में क्या दिया, ए दिया, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए का बार, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, ए का बार,
यही मिलेगा ना, दो इनपुट है तो ए ए प्लस ए का बार, ठीक है, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, अब देखिए जो a प्लस ए का बार है ना, तो a इंटू ए हो जाएगा और उसका भी बार रहेगा, ठीक है, तो आपको a का बार मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने बार लगाना भूल गया मुझे लगता है, तो a का आपको यहाँ बार मिलेगा, बस ये इतना आसान है। देख रहे हो, दो इनपुट को एक बना दिया इन्होंने और आउटपुट में सेम ऐसा करते आपको आउटपुट मिल गया। सिमिलरली इस सिमिलरली कहते हैं तो इसमें भी उसी तरीके से हो रहा है कि जो नॉर गेट है उसमें क्या दिया इन्होंने, इनपुट दिया, और देखिए नॉर गेट अच्छा और गेट, अब नॉर गेट से वो और गेट बना रहा, तो उन्होंने क्या दिया ए और बी दिया, आपको क्या मिला ए प्लस बी का बार, ठीक है। अब आपने ए और बी का बार दोनों टर्मिनल पर बराबर कर दिया, तो ए प्लस बी का बार से बार, बार से बार कैंसिल आउट हुआ, तो ए प्लस बी मिला, कितना आसान था ना यार। हाँ सही कह रहे हो, बहुत आसान है, नॉर गेट एंड एंड गेट, नॉर गेट से अब एंड गेट बना रहे, वाह। तो आप देख सकते हो जो हमने उसमें किया था ना वही इसमें कर रहा है, उसमें जैसे सीक्वेंस में लगा था वैसे इसमें सीक्वेंस में लगा, बस उसमें एंड गेट यूज हो रहा था, इसमें और गेट यूज हो रहा है। तो अगर आप एक को भी समझ लोगे ना तो दूसरा अपने आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने ए दिया तो ए का बार मिलेगा, बी दिया तो बी का बार मिलेगा, क्योंकि क्या कर रहा है नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, हमें पता है ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, तो ए का बार बी का बार, ए का बार बी का बार देंगे तो ए का बार प्लस बी का बार की बार, अब बार से बार तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ए इंटू बी आ जाएगा, कितना आसान है एंड गेट, ठीक है। ये पूरा ही एंड गेट है, ये नहीं कि आप इस चीज को मिला रहे, इस पूरे सिस्टम को एंड गेट कहते हैं, इसलिए इन्होंने बॉक्स बना रखा है। आप ज्यादा इंटेलिजेंट बनोगे, नहीं भैया एंड गेट तो बस ये लास्ट वाला, इसने कन्वर्ट करने का काम किया, ऐसा नहीं है। फिर आते हैं नॉर गेट के बारे में, नॉर गेट, अब वो बता रहे कि जो नॉर गेट है वो नॉट कन्वर्ट कर सकता, और में कन्वर्ट कर सकता, एंड में कन्वर्ट कर सकता, और कुछ स्पेशल जैसे फंक्शन होते हैं उनको भी वो परफॉर्म कर सकता है, वही बात बता रहा है। तो देखना चाहो तो देख सकते हो, और अगला मतलब जो मैं आपको जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जो डेरिवेशंस है, ऐसे आपको कई सारे डेरिवेशंस मिलेंगे, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा, और मैं आपको इसकी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, उससे ना एक आपको एक व्यू मिल जाएगा कि हम पढ़े क्यों इस चीज़ को, मतलब हमारा क्या काम है हमारी लाइफ में इसका, जो हम इसको रीड करें कि हम क्यों पढ़े, ये बताओ। होता ना कुछ बच्चों को, जब मैं गया था ना तो मैम से कहा था मैम मुझे प्रैक्टिकल कराओ, मुझे नहीं पता, मुझे एप्लीकेशन बताओ, मैम कि कराएंगे कराए नहीं अभी तक, क्या कोई बात नहीं। देखो आपने इनपुट में, देखो मैंने एंड गेट की बात करते हैं, एंड गेट में क्या होता है कि जब आपका दोनों में से दो, अभी इन्होंने इनपुट में दो लिया है, कहने का मतलब है 2 की पावर 1 है, तो हमारे पास एक एंड गेट है जिसमें क्या है दो इनपुट है एक आउटपुट है, जब वो इनपुट में 0 0 दे रहे तो आउटपुट में क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, जब वो इनपुट में 0 1 दे रहे हैं तो भी आउटपुट में क्या मिल रहा है 0 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जब इनपुट में 1 और 0 दे रहे हैं तो भी आउटपुट में 0 मिल रहा है, जब इनपुट में 1 1 दे रहे तो आउटपुट में 1 मिल रहा है। अब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास एक बैटरी लगी पड़ी, दो स्विच और एक बल्ब है, सबसे पहले आपने दोनों को मतलब स्विच को ऑफ कर रखा है तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, अब आपने इसको तो ऑफ कर रखा है, इसको ऑन कर रखा है, तो आपका बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, समझ आया। अगर आपने इसे ऑफ कर रखा है, इसे ऑन कर रखा है, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, रोशनी नहीं देगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने इसे ऑफ कर रखा है, इसे ऑन कर रखा है, तो क्या आपका बल्ब जलेगा नहीं, ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। मान लीजिए दोनों को आपने ऑन कर रखा है, तो आपका क्या बल्ब ग्लो करेगा, हाँ बल्ब ग्लो करेगा, अगर हमारा दोनों ऑन है यानी दोनों में 1 1 जा रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा, ऐसा है कुछ, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो एंड गेट है, अगर आप इसे पढ़ो ना तो एक तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आप अपने रियल लाइफ में कुछ बना सकते हो, इमेजिनरी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लाइफ में कुछ बना सकते हो, ठीक है। एक मिनट वो भी तो समझा दो नीचे वाला, और गेट क्या काम करते है? देखो और गेट में जो स्विच है ना वो पैलर में लगे पड़े हैं, वो सीरीज में लगे पड़े थे, पैलर में लगे पड़े हैं। अब मान लीजिए आप किसी एक को भी ऑन करते हो, मान लो आपने ए को ऑन किया, ठीक है, तो आपका सर्किट तो कंप्लीट हो गया, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, कितनी अच्छी बात है ना कि वो एक स्विच से हमारा बल्ब ग्लो कर जा रहा है, उसमें दो दो स्विच लगा रखे थे फिर भी लाइट नहीं जल रहा था एक स्विच ऑन करने पर। लेकिन इसमें क्या, जैसे ही आप एक स्विच ऑन करोगे आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, और अपने दोनों स्विच में ऑन कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हमको क्यों दिक्कत होगी भैया, करंट तो दोनों से, क्योंकि रेजिस्टेंस, देखो इस वायर का रेजिस्टेंस ना हम अप्रोक्सीमेट 0 ही मान के चलते हैं, तो वायर का रेजिस्टेंस हम नहीं मानते उतना, तो अब हम यहाँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस हम थ्योरी पे ध्यान देंगे, मतलब कॉन्सेप्ट पे क्लियर ध्यान देंगे। आपने इनपुट में दिया करंट, अब जब स्विच ऑन हुआ तो ये सर्किट कंप्लीट, ये बल्ब आपके ग्लो कर जाएगा, आपने बी पे दिया तो बी से पास हो जाएगा, और अगर आपने दोनों पे दिया ना तो मे बी किसी से भी पास हो सकता है, क्या पता दोनों से पास हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से ही हमारा, अगर आप किसी पे भी इनपुट देते हो, आप दोनों को ऑफ रखोगे तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन दोनों में से एक पे भी इनपुट दोगे तो आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा, इसे और गेट कहते हैं। और आप अपनी रियल लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हो, इसका एक सैंपल बना के अपने मास्टर को दिखाओगे, सर देखो हमने कुछ बनाया,
मतलब थोड़ा टीचर के साथ ना प्रॉब्लम है कि प्रैक्टिकल कराना नहीं चाहते, और प्रैक्टिकल कराना वाला तो बहुत आगे जाए, लेकिन क्या करें, इंजीनियरिंग लाइन है ना, खुद करना पड़ता सब कुछ। ठीक है, अब देखो नॉट गेट में क्या, अब नॉट गेट में देखो मतलब इनके एप्लीकेशन ही बड़े जहर जहर है यार, क्या बताऊं। आपने अब पॉजिटिव दिया, ठीक है, अब देखो ये हमारा लाइट जल रहा है, जल रहा है ना, मान लीजिए आपने कोई वैल्यू ही ना दी, कोई वैल्यू नहीं दी, फिर भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, आपने कुछ नहीं दिया, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, आपने कुछ नहीं दिया यानी जीरो दिया, कुछ नहीं दिया का मतलब जीरो दिया, जब आपने जीरो दिया तो आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन आपने कहा नहीं भैया हमको तो देना, आपने वन दे दिया, जैसे ही वन दिया ना सर्किट में ये ऑन हो गया, जैसे ही ऑन हो गया तो शॉर्ट हो गया, जैसे शॉर्ट हो गया ना करंट इधर नहीं जाएगा भैया, बाईपास कर दिया आपने। केवीएल पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना यार, जो किचअप वोल्टेज लो है, किचअप करंट लो है, केवीएल केसीएल, ठीक है, जो केसीएल हो क्या बताता है कि अगर बाय चांस हमें ये प्रैक्टिकली देखो ना यार, एक रास्ता ही है तुम्हारे पास लंबा सा, यहाँ पे इतने सारे ब्रेकर, इतने सारे ब्रेकर है, अब तुम जाहिर सी बात है बाइक चलाते होगे तो वही रास्ता अपनाओगे जो बिल्कुल सीधा हो, जो देखो ये कितना आगे जाना पड़ेगा इससे, और यहाँ से एकदम से सीधा रास्ता मिलेगा तो यार कोई भी ये अपनाएगा यार, यहाँ पुलिस वुलिस ना मिलेगी, यहाँ इतनी पब्लिक होगी, क्या पता क्या करना, तो जैसे ही बाईपास होगा ना, जैसे शॉर्ट होगा ये बाईपास हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक था। उसके बाद एक बफर है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ये जो बफर है ना ये आप ना बहुत जगह सुनने वाले हो, और इसकी यूजेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बफर है तो ये क्या करता है कि आप इसे इनपुट में दोगे आपको आउटपुट में सेम दे देगा। हाँ ये क्या करता है, मैं मुझे याद आया इसका एप्लीकेशन, ये क्या करता है कि एक लाइक इंसुलेशन पर ट्रांसफार्मर का काम पता है आपको क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो ये क्या करेगा कि आपका और लोड जो मतलब जो इनपुट और आउटपुट है ना उनके बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर देगा, मतलब वो मतलब कैसे सेपरेट कर देगा उस चीज़ों को, सेपरेट आप मान के चलो कि आपका इनपुट और आउटपुट उसने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। बफर का काम यही होता है, ए आप और बी मतलब जो आप इनपुट में दे रहे हो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, अगर आपने इनपुट में जीरो दिया आउटपुट में जीरो मिलेगा, इनपुट में वन दिया आउटपुट में वन मिलेगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम पूछ लेंगे, समझ लेंगे यार, ठीक है।